दोस्तों, हम आपको लगातार बाहुबली सीरीज की कहानी सुनाते आ रहे हैं, जिसमें हम यूपी और बिहार के उन बाहुबलियों की कहानी आपको सुनाते हैं जो अपराध की दुनिया से निकले और सत्ता के शिखर तक पहुंचे। इस सीरीज में हम आपको कई कहानी सुना चुके हैं और इसी सीरीज में हमारी आज की कहानी है बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह की, जो हमेशा अनंत सिंह से दुश्मनी के चलते खबरों में बने रहे। दोस्तों, सूरजभान सिंह की इस कहानी में आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। जिस बेटे को माँ बाप फौज में भेजना चाहते थे, वो बेटा उनके उम्मीदों के ठीक उलट बाहुबली बन गया और फिर राजनेता भी बना। क्या है बाहुबली सूरजभान सिंह की पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bijorjora.com का यूट्यूब चैनल। 5 मार्च 1965 को बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा शहर है मोकामा। इसी के पास एक गांव में सूरजभान सिंह का जन्म हुआ था। मोकामा से सटे एक छोटे से गांव की गलियों में खेलते कूदते बड़े हुए सूरजभान सिंह के पिता एक व्यापारी सरदार गुलजीत सिंह के दुकान पर नौकरी करते थे। इसी नौकरी से उसका घर चलता था। सूरजभान सिंह के बड़े भाई की नौकरी जब CRPF में लगी तो परिवार को एक सहारा मिल गया। इसके बाद उनके पिताजी सोचने लगे कि अगर लंबी कदकाठी का मेरा छोटा बेटा भी फौज में चला जाए तो परिवार की सारी तकलीफ ही दूर हो जाएगी। लेकिन फिर सूरजभान सिंह का संगत खराब हो गया और वह कुछ आपराधिक गतिविधियों वाले लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। यहां से जो उनके पैर एक बार फिसले तो वह फिर कभी दोबारा पटरी पर वापस नहीं लौटा। 80 के दशक में सूरजभान सिंह छोटे मोटे अपराध को अंजाम देना शुरू कर चुके थे, लेकिन 90 का दशक आते आते उनके क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। उन्हें अपराध की दुनिया में आगे बढ़ाने का श्रेय दो लोगों को मिलता है। एक कांग्रेस के विधायक और मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह धीरज का और दूसरा अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह का। अब यहाँ पर जरा एक मिनट ठहरिए और श्याम सुंदर सिंह धीरज और दिलीप सिंह की कहानी को सुनिए। ये 90 के दशक का वो बिहार था जब जातिवादी कीड़ा सभी राजनेताओं के दिमाग में घुस चुका था। अभी तक ऐसा था कि अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह राजनीति में आए नहीं थे, लेकिन भूमिहार होने की वजह से उनका अपना एक रुतबा था और साथ में वह उस वक्त कांग्रेस के विधायक और मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम भी करते थे। वह उनके लिए चुनाव के समय बूथ लूटने का काम करते थे, लेकिन दिलीप सिंह अब दूसरों के लिए काम करना बंद करना चाह रहा था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल था बिहार में जातिवादी राजनेता के जनक कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव मोकामा का सीट जीतना चाहते थे और इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के श्याम सुंदर सिंह धीरज पिछले 10 सालों से काबिज थे। इसलिए यहां पर लालू प्रसाद यादव ने जोड़ तोड़ की रणनीति को अपनाते हुए श्याम सुंदर सिंह धीरज के सबसे खास सिपाही दिलीप सिंह को उससे अलग कर दिया और साल 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें जनता दल से टिकट भी दे दिया। लालू प्रसाद यादव की यह रणनीति काम कर गई और उस चुनाव को दिलीप सिंह जीत गया। साथ में पुरस्कार के रूप में उनको लालू सरकार में मंत्री पद भी दिया गया। जी हाँ, बिहार की राजनीति में ऐसा ही होता आया है, क्योंकि दिलीप सिंह को धीरज ने ही पाला पोसा था। ऐसे में उनके पाले पोसे शख्स ने उन्हें ही चुनाव मैदान में शिकस्त दे दी। इस बात से वह बौखला गए। इसी दौरान उनकी नजर पड़ी दिलीप सिंह के ही एक लड़के पर, जिसमें जुर्म की दुनिया में छा जाने का भूत सवार था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सूरजभान सिंह ही था। इसके बाद जब दिलीप सिंह मंत्री बनकर व्हाइट कॉलर जॉब में आ गए तो उन्हें सियासत भी करनी थी और रुतबा भी बरकरार रखना था। इस दौरान सूरजभान सिंह ने उस सरदार गुलजीत सिंह से भी रंगदारी मांग ली, जिनकी आंखों के सामने वह बड़ा हुआ था और जिनके यहाँ उसके पिता नौकरी करते थे। सरदार गुलजीत सिंह दिलीप सिंह के इस बर्ताव से दंग थे। उन्होंने सूरजभान सिंह के पिता को बुलाया। पिता ने बेटे को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन इस समय तक सूरजभान सिंह पिता के इस मोहमाया से बहुत दूर आ चुका था। बेटे ने जब अपराध की इस दुनिया से कदम पीछे
पीछे हटाने से मना कर दिया तो पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहा तो वे बेटे को फौज में भेजने का सपना देख रहे थे और कहा बेटा जुर्म की दुनिया में खो चुका था। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसके पिता ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि इस घटना के कुछ दिन बाद CRPF में काम करने वाले उनके बड़े भाई ने भी मौत को गले लगा लिया। अब सूरजभान सिंह के सर पर दिलीप सिंह का हाथ था, इसलिए उसने मोकामा के बाहर भी जड़ें जमाने की कोशिशें तेज कर दी। इस दौरान उसकी दुश्मनी नाटा सरदार से हुई। दोनों तरफ जमकर खून खराबा हुआ। उसी दौर में बेगूसराय में एक और बाहुबली डॉन हुआ करते थे, अशोक सम्राट। उसने भी मोकामा में सूरजभान सिंह पर हमला बोला। इस दौरान सूरजभान के पैर में गोली लगी। इसमें उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका चचेरा भाई और गैंग का शार्प शूटर मारा गया। जनवरी 1992 में बेगूसराय के मधुरपुरा में रहने वाले रामी सिंह की हत्या हुई। सुबह तड़के 5 बजे रामी सिंह पर 4 लोगों ने गोलियां चलाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। इसमें सूरजभान सिंह का नाम आया और लोअर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस घटना के 6 सालों के बाद एक बार फिर से सूरजभान सिंह का नाम पूरे बिहार में छा गया। उस दौरान ब्रिज बिहारी प्रसाद बिहार के राबड़ी देवी सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री थे। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका इलाज चल रहा था। जब वह अस्पताल के पार्क में शाम को टहल रहे थे तो 3 जून 1998 की शाम को 6-7 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियां चलाने वालों में गोरखपुर का नामी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला भी था, जो इस समय सूरजभान सिंह के संरक्षण में रह रहा था। इस घटना ने पूरे प्रदेश को दहला कर रख दिया। इस मामले में सूरजभान को पुलिस ने आरोपी बनाया, जिसके बाद खूब बवाल मचा और जांच CBI को सौंपी गई। इस समय तक सूरजभान सिंह खुलेआम घूमता रहा। इसके बाद आगे चलकर वर्चस्व की यह लड़ाई इतनी आगे आ चुकी थी कि अब सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह का सुनना भी बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे उन दोनों के रिश्तों में खटास आ चुकी थी। इस दौरान श्याम सुंदर सिंह धीरज को भी एक बाहुबली की आवश्यकता थी। फिर सूरजभान ने धीरज का हाथ पकड़ा जरूर था, लेकिन अब उसके सपने बड़े हो चुके थे। अगर आप बेगूसराय के बाहुबली अशोक सम्राट की कहानी को अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब कहां तो श्याम सुंदर सिंह धीरज सूरजभान सिंह को अपना सिपाही बनाने की सोच रहा था और कहां अब वह खुद ही विधायक बनने का सपना देखने लगा था। फिर साल 2000 में तत्कालीन बिहार सरकार में मंत्री दिलीप सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह ने मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतकर निर्दलीय विधायक बन गए। उस वक्त पुलिस रिकॉर्ड में उन पर उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल 26 मामले दर्ज थे। इसके बाद फिर वह साल 2004 में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से बिहार के बलिया लोकसभा सीट से सांसद भी बने। हालांकि साल 2009 में बलिया लोकसभा क्षेत्र को भंग कर दिया गया था। फिर साल 2009 में ही निचली अदालत ने सूरजभान समेत सारे अपराधियों को ब्रिज बिहारी प्रसाद मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा दी। हालांकि बाद में सूरजभान सिंह को बरी कर दिया गया। हालांकि ये तो कुछ ऐसे मामले हैं जो कानून और पुलिस के निगाहों में आए, लेकिन कुछ अपराधों का चिट्ठा तो कभी खुला ही नहीं। सूरजभान सिंह के नाम का खौफ कुछ इस कदर से फैल चुका था कि लोग कभी उनके सिर्फ नाम से डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है और हालात काफी हद तक बदल चुके हैं। आजीवन कारावास की सजा के बाद भी सूरजभान सिंह बाहर घूम रहे हैं, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन जिसको एक बार राजनीति का कीड़ा काट ले तो वह फिर कभी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाता है। ऐसा ही कुछ सूरजभान सिंह के साथ भी हुआ और वह अपनी पत्नी वीना देवी को चुनावी मैदान में उतार दिया। उनकी पत्नी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सांसद बनी थी। ऐसा कहा जाता है कि इंसान अपने कर्मों से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकता है। जब सूरजभान सिंह अपराध की दुनिया में आया तो उसके पिता ने पुत्र वियोग में आत्महत्या कर लिया। जैसे ही सूरजभान सिंह के पिता को उसके बेटे का सुख नहीं मिल पाया, ठीक वैसा ही खेल नियति ने सूरजभान सिंह के साथ भी खेला।
साल 2018 के अक्टूबर महीने में उसका बेटा आशुतोष सिंह, जो कि नोएडा से एमबीए कर रहा था, वह नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुए एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। अभी फिलहाल सूरज भान सिंह चुनाव तो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को वह हर संभव विधायक या सांसद बनाने की ताक में लगे रहते हैं। तो यही थी बिहार के बाहुबली सूरज भान सिंह की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आप और किस बाहुबली की कहानी को देखना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।